press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रोड पे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को लात मारी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। मारने वाले आज जो शोभा यात्रा पर और राम भक्तों पर पत्थर मारते हैं, आज वो लंबी लंबी आस्था की बातें कर रहे हैं। जो श्रद्धा की बोटियां करते हैं, आज वो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जिन मुसलमान लौंडों के पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खुला रहता है सनातनी बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आज वो इतने अल्लाह के भक्त हो चुके हैं, इतनी आस्था जाग चुकी है। पर वो आस्था मस्जिद में जाने के लिए नहीं जागी है, वो आस्था मुसल्ले पर पूरे दीन और ईमान से बैठ करके नमाज अदा करने के लिए नहीं जागी है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए जागी है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कानून क्या कर सकता है, मैं रोड पर मैं जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा। हालांकि हमारा अल कुरान ये साफ लफ्जों में जो फर्ज रोजा है या फर्ज नमाज है उसको खजा का नाम दिया गया है। जैसे हम लड़कियां हैं, अभी 11 मार्च से हमारा रोजा स्टार्ट है, तो अब हमें तो बीच में पीरियड्स होगा, इसको समझना बारीकी से बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा लोगों को कि उसने जानबूझ करके उन मुसलमानों ने एक शैतानी दिमाग खेला है। हमें पीरियड्स होगा तो जो 4-5 दिन हम रोजा नहीं रख पाएंगे तो वो हमें पूरा साल दिया जाता है कि दोबारा जब रमजान आएगा उससे पहले वो रोजा हमें मुकम्मल करना है जो 5 दिन का रोजा है। तो ये जो इन्होंने आज कल किया है, ये जानबूझ करके शैतानी दिमाग मुसलमानों ने इसको कोशिश की है कि और ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई देखो हमारे भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। अब आती है तीसरी बात ये आती है कि यूएई और पूरे एंटायर अरब, पूरे गल्फ, पूरे कतर, पूरे आपका ईरान, ये सब जगह में अगर आप टैक्सी के ऊपर नमाज पढ़िएगा, अगर आप रोड साइड पे नमाज पढ़िएगा, अगर आप बीच के पास नमाज पढ़िएगा, मतलब एक्सेप्ट मस्जिद और घर के अलावा अगर आप कहीं पर भी नमाज पढ़ रही हैं तो 500 दिरहम आपको वहीं पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कोड़े मारे जाएंगे और आपको जेल का भी पनिशमेंट है। अरब कंट्रीज में ये नियम है। हाँ, अरब में, इवन ईरान में भी ये नियम है। ईरान की मस्जिदें खाली हो रही हैं। आपको आप कोई भी गूगल में जाकर के सर्च करें कि ईरान की मस्जिदें खाली हो रही थी, नमाज लोग नहीं पढ़ रहे थे। जहां खड़े होते थे, दुकान होता तो दुकान में पढ़ लेते थे, रेडी होती तो रेडी में पढ़ लेते थे, नान बना रहे होते तो नान के वहां पर तंदूर के पास पढ़ लेते थे, बाजार में कपड़े बेच रहे हैं तो बाजार में कपड़े के बगल में पढ़ लेते थे। तो ईरान में मस्जिदें खाली हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात कहा कि मस्जिद आकर के नमाज पढ़ो, मस्जिदें खाली रखी रहेंगी और तुम रोड पर नमाज पढ़ोगे। तो भाई वो तो 82.7% हिंदुओं का देश नहीं है ईरान, या अरब पूरा का पूरा एंटायर अरब, वहां पर तो नहीं है 82.7% हिंदू। तो फिर आखिर वहां की सरकार को, अरब कंट्री को, ईरान को, तुर्किस्तान को, ये गल्फ को, कतर को ये क्यों बनाना पड़ा कि भाई 500 दरहम भी तुमको देना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल के हिसाब से अगर तुम मस्जिद के बिना और अपने घर के अलावा तुम कहीं पर भी नमाज पढ़ते हो तो तुमको कोड़े भी मारे जाएंगे और तुमको जेल का पनिशमेंट भी होगा। एंड आई हैव दैट। हाँ, मैं देख रही हूँ ये खड़े हैं लाइन में, मुझे लगता है नया कानून बना। हाँ, नया कानून बन गया। और हाँ, ये कानून बताइए क्या कह रहे थे आप। देखिए, वहां के हिसाब से 1000 दरहम और यहाँ के हिसाब से 22,314 रुपया ऑफेंस, अगर आप रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद फिर ये कानून बन गया था जुलाई 2022 में ही अरब में। तो जब वहां पर ये देखिए, टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी,
The general director of Abu Dhabi police has started a campaigning to raise awareness of the risk associated with inappropriate bus parking on the internal and or external roadway of the Emirates. एकदम खास एकदम सही तरीके से कानून है. लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल्ला अल हुमैरा डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्ज मोटरिस्ट टू गो टू रेस्ट हाउसेस पेट्रोल पंप मॉस्क एंड अदर प्लेसेस टू ऑफर नमाज एंड डू नॉट डू इट ऑन द साइड ऑफ द रोड. अगर वाकई में तुम्हारी नमाज कजा हो रही है और तुमको लग रहा है कि भाई अल्लाह की सदाएं आ चुकी हैं और मुझे नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, किनारे में पेट्रोल पंप पे जनमाज बिछा लो साइड में जाकर, किसी दुकानदार को बोलो कि मुझे अंदर में नमाज पढ़ने दीजिए, मस्जिद दूर है, मैं उतनी दूर तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरी नमाज खजा हो जाएगी, तो मुझे अंदर में पढ़ने दे दीजिए. तो ये सारी चीजें वहां पर एज अ अवेयरनेस कैंपेनिंग की गई है अरब में, पूरे अरब में, कि आप रोड पर नहीं पढ़ सकते हैं नमाज. अब जैसे टैक्सी वाला होता है तो अरब में क्या कर रहा था वो, कि कहीं पर भी टैक्सी पार्क करता था और टैक्सी के ऊपर चढ़ करके वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देता था. और ये जो अभी अवेसी ने मोर्चा खोला है, तो मैं एक चीज आपको सुनाना चाहती हूँ कि भाई तो आप जब शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हो तब तो आप कहते हो कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया. आप जब राम भक्तों पर पत्थर मारते हो, जब आप सनातनी बेटियों का चीरहरण करते हो, तब आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं किया. आज पहली बार आपके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हुआ है तो आपको आपको बड़ा रोना आ रहा है. लेकिन मैं ये चीज सुनाना चाहती हूँ जो जनता को सुनने की जरूरत है. मैं एक मिनट लूंगी आपका. क्योंकि ओवैसी जी ने बहुत कुछ बोला. मैं जो भी आज कर रही हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका फेस बन गई हूँ मीडिया के बदौलत से. लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइजेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है. कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है. मैंने ये आपको इसलिए दिखाया है कि अवेसी के मंच पर इस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे. सबने सोचा था कि, और अवेसी ने भी यही कहा था कि अचानक से वो आई और उसने ये काम कर दिया. लेकिन अभी आप देखिए कि वो अपने मुंह से एक बड़े न्यूज चैनल के बूम पर ये बात कह रही है कि मैं सिर्फ मीडिया का फेस बन चुकी हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी एडवाइजरी कमेटी है, मेरे माँ बाप है और मुझे बहुत लोग समझाने वाले हैं, कंटेंट राइटर है जो मुझे कहता है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की स्पीच में तुमको ये करना है. तो आपको क्या लग रहा है कि वो 20 पुरुष जिसने जनमाज बिछाया था और जो बार बार पुलिस के समझाने पर भी उठ नहीं रहा था, उसने जानबूझ करके पुलिस को प्रोवोक किया कि वो लात मारे, आपको क्या लग रहा है कि अचानक से उसके दिमाग में ये बात आ गई? नहीं, कोई कंटेंट राइटर है, कोई एडवाइजरी कमिटी है, किसी ने उसको समझाया कि यहाँ पर जाकर के ये काम करना है. तो पुलिस को रेस्टिकेट और सस्पेंड तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो 20-22 लौंडे जो अपनी शक्ल से समझ में भी नहीं आ रहे थे कि ये अल्लाह के इतने बड़े भक्त हैं, जो जीन्स पैंट में और आधा पिछाड़ दिखा करके जो नमाज का सिजदा कर रहे थे, क्योंकि मैंने वो वीडियो बहुत गौर से देखा है, जिस लड़के को पीछे में लात मारी गई है वो कोई कुर्ता पजामा और टोपी में नहीं था, उसने टोपी लगा रखी थी पर टैडी जीन्स पहना हुआ था, और जब वो सिजदा, अब इतना टाइट जीन्स में जब सिजदा करेगा तो आधा पिछाड़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वजू तो वहीं टूट गया. तो बेसिकली ये जो 20-22 लौंडे थे ये नमाज पढ़ने तो नहीं गए थे, ये इनकी कोई एडवाइजरी कमेटी है, इनका कोई कंटेंट राइटर है, इनका सपोर्ट है, जिसने जानबूझ करके ये बात कही कि तुम जाओ और ये करो. और नाज़िर जी मुझे याद आ रहा है कि आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट में इसी बारे में एक पिटीशन दायर की है जिसमें इसी मुद्दे को उठाया गया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए. जी हाँ अंजू जी, मैंने नमाज ऑन रोड बैन के लिए एक याचिका मेरी है
और जिसमें मैंने जिसका जिसमें कई पिटिशंस मैंने दर्शकों को बता दूं कि मैं उसी आपकी जो आपने याचिका डाली उसी की कुछ कॉपियां दिखा रही हूँ स्क्रीन पर इस वक्त जब आप बात कर रही हैं जी। और मैंने मोहम्मद बिन सलमान को भी उसकी चिट्ठी भेजी है और वो शायद मैंने आपको भी भेजी है, मोहम्मद बिन सलमान को भी मैंने भेजी और मैंने कहा है कि मैं इसमें आपको भी पार्टी करूंगी और आपको रिप्लाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत को देना पड़ेगा कि जब अरब जब नमाज को रोड पर बैन कर सकता है तो भारत अगर करता है तो क्यों मतलब इनको दर्द होने लगता है, इनको तकलीफ होने लगती है। अगर हमारे पांच अरकान का सबसे महत्वपूर्ण सबसे अहमियत अरकान अरब जाकर के होता है मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में, और वो जगह जहां पर हम हज और उमरा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये करके आने के बाद तो हम सीधा जन्नत जाएंगे, तो जब वो जगह रोड पर नमाज को बैन कर चुका है, वहां पर पेनल्टी लगा चुका है, कोड़े का बंदोबस्त कर चुका है, पनिशमेंट का बंदोबस्त कर चुका है, तो हमारा भारत तो इस्लामिक देश नहीं है। ये तो कर ही सकता है, वो इस्लामिक देश होकर के कर सकता है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद का इतना बड़ा मदीना है, मक्का है, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता है? हमारा देश तो बिल्कुल कर सकता है, हमारा देश तो संविधानिक देश है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लायका जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने इस पूरे सिनारियो यानी पूरे कांड पे अपने पर्सनल व्यू शेयर किए। इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।